खेतों में फसलों को बर्बाद करने वाले बेसहारा पशुओं से परेशान किसानों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मायूस किसानों ने आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को शिकायती पत्र दिया। डीएम ने मामले में कार्यवाही के लिए सभी एसडीएमओ को निर्देश दिए। किसान नेता डॉक्टर नौसिंह ढिल्लो ने बताया कि खेतों में लहलहाती फसलों को आवारा पशु बर्बाद कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर सैकड़ों लोग बुधवार को डीएम कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। डीएम को बताया कि निराश्रित पशुओं की संख्या करीब 400 है। पशुओं का झुंड खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट करता है। पीड़ित किसान कड़कड़ाती ठंड में रात दिन पहरा देने के लिए मजबूर है। मामला ये है कि आने वाले भविष्य में भुखमरी पड़ेगी। ये जो गांव-गांव पशु छोड़े जा रहे हैं खेतों में, वो पशु मारन भी लगे आदमियों को, और उसके बावजूद खेती नहीं छोड़ रहे, पटते बिल्कुल खेती, मतलब खेत में आज पानी दो सुबह को 10-20 पशु मिलेंगे खड़े हुए, तमाम कुछ वैसे दब जाएगा, कुछ खा लेंगे बिल्कुल, मतलब खेती चौपट होती जा रही है। तो आप आज जिलाधिकारी आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और पहली तारीख में मौड़ा तेहिया गांव में बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। अच्छा। और हम एक या तो आंदोलन करेंगे, नहीं पशुओं को कहीं भी सरकारी जमीनों में हम छोड़ेंगे, चाहे थानों में छोड़ें, चाहे तहसील में छोड़ें, चाहे जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में छोड़ें। आवारा पशु है, आवारा पशु ये पूर्व में भी आपने दिया था? है जी, पूर्व में भी किया और अब भी करेंगे। आज आप डीएम साहब से मिले थे, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया उन्होंने, तहसीलों में एसडीएम वगैरह से बात कर रहे हूँ, 10 मिनट मिले हम बैठ के, और वो मतलब आश्वासन क्या चाहते हैं आपके, इसकी रोकथाम किस तरह है, क्या सुझाव दिया इसकी रोकथाम के लिए? रोकथाम के लिए गौशालाओं में छुड़वाएंगे और गौशालाएं बनवा